अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम स्टेपलर का यूज़ करेंगे 3 डिफरेंट वेज में। पहला मेथड तो शायद आप यूज़ करते ही हो, बट सेकंड और थर्ड मेथड आपको सरप्राइज कर देगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेथड के लिए मैं अपने इस स्टेपलर का यूज़ करूँगी। ये रेगुलर स्टेपलर है जो हम नॉर्मली घरों में यूज़ करते हैं। ओपन करके दिखाऊँ तो यहाँ मैंने पिन प्लेस की हुई है। सो इस तरह से पिन हम प्लेस कर लेते हैं स्टेपल करने, और यहाँ से मैं आपको अगर दिखाऊँ तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मली हमें स्टेपलर्स में नज़र आता है। अब इसके जो मिड हैं, इन दोनों सेक्शंस के बीच में यहाँ हम पेपर प्लेस करते हैं। सो यहाँ मैं एक पेपर आपको प्लेस करके दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया, और अब हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्लेस कर लेंगे पेपर, और इसको प्रेस करेंगे और ये स्टेपल हो गया आराम से। बैक साइड से देखें आप तो इसके आर्म्स अंदर की तरफ फोल्डेड हैं, और ये हमारा रेगुलर स्टेपल है। सेकेंड मेथड के लिए मैं इसी स्टेपलर का यूज करूंगी। सो ये मैं स्टेपलर इसको सामने से आपको खोल के दिखाती हूँ। तो आप देखेंगे इसकी जो बैक साइड है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बटन सा होगा। सो इस बटन का हम यूज करेंगे इस मेथड में। यहाँ आप थोड़ा सा इस बटन को प्रेस करेंगे और ये आपको प्लेट नजर आ रही है, ये थोड़ी लिफ्ट हो जाएगी। इसको पकड़ के आपने इस तरह से ट्विस्ट कर लेना है। जब आप इसको इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से लग रही है। अब आप अपना नॉर्मल स्टेपलर को बंद करें, और फिर आप अपना पेपर ले लें। पेपर लेके आपने अगेन इन्हीं दोनों सेक्शंस के बीच में पेपर रख के इसको प्रेस करना है, और अब आप देखें कि ये स्टेपल हो गया। ये हमारा अभी सेकंड मेथड वाला स्टेपल है, और ये हमारा फर्स्ट मेथड वाला स्टेपल है। अब सामने से तो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बट अगर आप इस पेपर को मोड़ के देखें तो आप देखेंगे कि पहले वाले में इसके आर्म्स जो थे स्टेपल के अंदर की तरफ थे फोल्डेड, लेकिन सेकंड मेथड को जब आप यूज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके आर्म्स बाहर की तरफ निकले हुए हैं। और ये एक सीक्रेट ही है कि ये बाहर की तरफ आखिर क्यों निकले हुए हैं। सो आज मैं इसका सीक्रेट रिवील करती हूँ। बेसिकली ये एक टेम्प्रेरी स्टेपल की टेक्निक है। यहाँ आप अगर अपना पेपर लें और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करें तो आप देखेंगे कि ये पिन बाहर की तरफ आ रही है। सो आपने यहाँ पे अपनी पिन लेनी है और इसको इस तरह से पकड़ के बाहर की तरफ खींचना है, तो ये बहुत ही आराम से पिन निकल जाएगी। इसके लिए आपको अपने नाखून खराब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर यही पिन आपने फर्स्ट मेथड से हुए हुए स्टेपल की पिन निकालनी है तो यहाँ पे आपको दिक्कत होगी और आपके नाखून डैमेज होंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड मेथड। तो थर्ड मेथड के लिए मैं अपने इस स्टेपलर का यूज़ कर रही हूँ। ये भी एक नॉर्मल रेगुलर स्टेपलर है। अगर आप देखें तो इसकी ये जो बैक साइड है, यहाँ पे एक पॉइंटेड सा एंड है। सो मैं इस पॉइंटेड एंड का यूज़ करूँगी। आई होप कि मेरा कैमरा इसको दिखा पा रहा हो। अगर आप यहाँ से देखें तो ये बहुत ईजीली दिख रहा है। सो इस स्टेपलर के एंड को मैं यूज़ करूँगी इस पेन को निकालने के लिए। सिंपली आपने पॉइंटेड एंड को इंसर्ट करना है आर्म के अंदर और उसको बाहर की तरफ डायरेक्ट करना है। दूसरी तरफ से भी बिल्कुल यही मेथड मैं यूज़ कर रही हूँ। अब आप देखें कि इसके आर्म्स खुल गए हैं। अब मैं पेपर को मोड़ती हूँ तो आप यहाँ देखें कि इस तरह से मैंने इस पिन के अंदर इसको इंसर्ट किया और ये आराम से बाहर निकल आई है। देखें कितना आसान तरीका है, और आपके नाखून भी ख़राब नहीं हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि क्या आप ऑफिस इक्विपमेंट हैक्स मजीद देखना चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज विद मी ऑलवेज़।